नमस्कार फ्रेंड्स, श्रीमती जी की रसोई लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और मैं अब उठ चुकी हूँ, मैं उठ करके आप लोगों से बातें ही कर रही हूँ। और मैंने चाय बना लिया है फ्रेंड, तो मैंने ब्रश मंजन करके पहले चाय पीती हूँ, तभी मुझे थोड़ा सा ताकत आती है। तो मैं अभी चाय पी रही हूँ गरम गरम। और गांव में थोड़ा सा ठंडी शुरू हो चुकी है, तो मॉर्निंग में पहले चाय बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उठ करके चाय बनाया, चाय पिया, अब मैं आ गई हूँ बाहर। थोड़ा ये देखिए हमारे दरवाजे का बाहर का व्यू है इस तरह से। तो बस थोड़ा सा एक क्लिप लिया है बाहर आ कर के, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से बाहर आने के बाद मैं आ गई फिर से घर में। और मैं अभी ये देखिए चाय बनाया था वो दिखा रही हूँ आपको। और इधर दूध गर्म करके रख लिया है, चाय बना लिया था, चाय तो पी लिया था, आपको दिखाया मैंने। सुबह सुबह तो पहले चाय ही चाहिए। तो इस तरह से अब चल रही हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये देखिए अब मैंने झाड़ू उठा लिया है, अब मैं अपने किचन से शुरुआत करती हूँ झाड़ू लगाना। और एक एक सामान हटा बढ़ा करके, गांव में थोड़ा सा सामान नीचे भी रख देते हैं, तो आलू वालू सब था, सब हटा करके मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से पहले किचन से शुरुआत करती हूँ झाड़ू लगाना, आप लोगों को दिखा रही हूँ। घर मेरा बहुत बड़ा है, मुझे झाड़ू लगाने में कम से कम एक घंटा सवा घंटा लग जाता है फ्रेंड। तो इस तरह से शुरुआत होती है किचन से झाड़ू लगा करके साफ़ सफाई करने के बाद, फिर जाती हूँ स्नान करने। तो अभी मैंने स्नान नहीं किया है, अब मैं किचन के बाद आ गई हूँ आंगन में। और अगल बगल में देख रहे हैं ये सारे कमरे ही हैं, सारे कमरों को भी झाड़ू लगाना पड़ता है। अब पहले आंगन में झाड़ू लगा लूँगी। तो आंगन काफ़ी लंबा है फ्रेंड, तो आंगन में ही लगाने में मुझे 10 से 15 मिनट लग जाता है झाड़ू, इसलिए मैं सीख झाड़ू से लगाती हूँ। अभी धीरे धीरे गांव में आकर के 10 दिन 12 दिन हो गया है, तो अब कचरा बहुत कम हो चुका है, अब धीरे धीरे साफ सफाई हो गई है मेरी, अभी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो इस तरह से पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आंटी झाड़ू का दिखा रही है, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग में कितना काम रहता है फ्रेंड। तो देखिए एक बार कि आंटी भी कितना काम करती है। तो अकेले हूँ फ्रेंड, तो काम तो करना पड़ेगा, ऐसा सब लोग ही करते हैं, अपने घर का काम तो सबको ही करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं भी काम कर रही हूँ। अब मैं एक दूसरे कमरे में आ गई हूँ, वहाँ का झाड़ू लगा रही हूँ। इसी तरह से सारा कमरे का मैंने नहीं दिखाया है, बस किचन और आंगन और एक मेन कमरा जो एंट्रेंस का होता है वो मैंने झाड़ू लगा लिया है। और धीरे धीरे और कमरों को झाड़ू लगाऊंगी मैं। इस तरह से मेरा रोज डेली का रूटीन है मॉर्निंग का। अब सारे कचरे को उठा करके बाल्टी में डाल दूंगी। शहर से ज़्यादा गांव में काम बढ़ जाता है फ्रेंड, हमें लगता है शहर में बहुत काम है, लेकिन मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि गांव में ज़्यादा काम है। क्योंकि मैं पहले ज़्यादा गांव में नहीं रहती थी, अभी मैं गांव में आई हूँ। पहले आती थी तो 10 दिन और मुश्किल से 15 दिन रह के चली जाती थी, क्योंकि मिस्टर का नौकरी था तो छुट्टी नहीं था। अब इसके बाद मैंने फ्रेंड नहा धो करके झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा धो करके वापस आ करके फिर ये सब्जी काट रही हूँ। ये देखिए
हमने लौकी लिया है, बहुत अच्छी हरी लौकी मिली हुई है, बहुत प्यारी लौकी है। और मैं अभी से कट करने जा रही हूँ, तो देखिए बहुत नरम है। गांव में यही अच्छा रहता है कि आपको ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं और सब्ज़ी बहुत टेस्टी भी होती है। तो मैं इस तरह से लौकी को कट कर लिया है और मैं इसे छील करके काट लूँगी। तो मैं इसलिए दिखा रही थी कि देखिए कितनी मुलायम है, इसमें एक भी बीज नहीं है, बहुत मुलायम है। तो इस तरह से कट करके मैं अब इसे धो के तड़का लगा दूंगी। इस तरह से देखिए हमारी लौकी कट चुकी है, अब मैंने इसे धो लिया है अच्छी तरह से। अब मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में मैं कढ़ाई रखी हूँ गैस के ऊपर, और अब मैं डालूंगी इसमें रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है, ये देखिए। और मैं सादा ही लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, इसके साथ में और भी खाना बनेगा, दाल चावल रोटी सब्जी सब मिल बनेगा। तो मैंने जीरा का तड़का खाली दिया है, ये सादी लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ अगर आपके पास दही हो तो दही मिक्स करके खाएं तो बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे मिस्टर को बहुत पसंद है। तो कभी रायता बनाती हूँ, कभी सादा लौकी बनाती हूँ, बस जीरे का तड़का दे करके इसे मैं छौंक ली हूँ, देखिए इस तरह से। और बहुत जल्दी पक जाती है ये सब्ज़ी। तो बस मैंने तड़का लगा दिया है और ढक देती हूँ और स्लो कर देती हूँ, तो धीरे धीरे पक जाएगी। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है, बस थोड़ा देर और इसे ढकना पड़ेगा। और बहुत मुलायम और बहुत अच्छी सब्ज़ी है। तो इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने नमक डाल दिया है और वापस ढक दूँगी, और बस सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड। बस 2-3 मिनट और लगेगा। अगर मेरी सब्ज़ी आपको अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इधर हमारे मिस्टर स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, बस उनका व्यू निकाल लिया।